नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि महादेव ऐप और लाल डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के थ्रू जांच होनी चाहिए। साथ ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए साजिश रच रही है, साजिश के तहत इन्होंने गलत इंजाम लगाया है अशोक गहलोत पे। साथ ही हम आपको बता दें कि इनका कहना है कि जो जिस इंसान ने बीजेपी की तरफ से गवाही दी थी कि ये सभी मामला सही है, वो इंसान कह रहा है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, ना मैं इस मामले से रिलेटेड रखता हूँ, ना ही मेरा लाल डायरी से मतलब है कोई और ना ही महादेव ऐप से कोई मतलब है। ऐसा सब कुछ अशोक गहलोत ने खुद कहा है। पहले आप सुनिए कि अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। एक मांग मैं करना चाहूंगा महादेव ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा हुआ रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को, तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उन्हें एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी, तो मेरा मिसयूज किया गया। 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी कौन सी लाल डायरी, ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की। ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो, छापे डाल दिए पीसी बहन के घर पे, 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको, उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पर जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। तो आपने सुना कि अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये सभी मामला जो है ये झूठा है और इन पे गलत इंजाम लगाया जा रहा है और बीजेपी साजिश के तहत इलेक्शन जीतने के लिए साजिश रच रही है इनके खिलाफ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।